हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पॉकेट एडिशन और वेड्रॉक एडिशन में स्पेक्टेटर मोड कैसे जा सकते हो, मतलब आप अपने अंडरग्राउंड क्या है उनको कैसे देख सकते हो, कोई भी स्ट्रक्चर या ओर्स। गाइज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो ना तो कोई हैक है ना ही कोई ग्लिच, बस ये एक एक्सरे एड ऑन है जिसको बनाया है D6BMC पैडल ने। अगर गाइज आपको भी इस एक्सरे एड ऑन को अपने वर्ल्ड में यूज करना है तो मैं सिंपली कमांड बॉक्स में एक कमांड को पिन करूंगा, उधर आपको एक लिंक मिलेगी, उधर से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अभी गाइज आप इसको यूज कैसे करोगे, गाइज जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे गाइज ये ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और गाइज ये एक्सरे विजन का पैक सिर्फ 200 KB का है जिस पर सिर्फ क्लिक करने से ही ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी गाइज इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अपने फोन के फाइल मैनेजर में चले जाना है या जेड अचीवर में चले जाना है, उधर से गाइज आपको उधर जाना है जिधर ये डाउनलोड हुआ होगा। तो सिंपली मैं डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाता हूँ। इधर से गाइज इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके पीछे जो ये .zip है सिर्फ इसको आपको इसको रीनेम कर देना। और गाइज रीनेम करने के बाद ये लिंक बन जाएगी। अभी गाइज इस लिंक को आपको माइनक्राफ्ट रिसोर्स वाले फोल्डर में पेस्ट करना होगा, लेकिन गाइज अगर आपके फोन की वर्जन एंड्रॉइड 11 से ज्यादा है तो आपको अपना जेड अचीवर ओपन करना होगा। अगर आपके फोन में नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, ये भी एक फाइल मैनेजर ही है। इधर गाइज आपको एंड्रॉइड में जाना है, फिर डाटा में उधर आपको एक फोल्डर ढूंढना है जिसका नाम है com.mojang, जिस जो गाइज माइनक्राफ्ट की कंपनी है। गाइज ये वाला फोल्डर आपको ढूंढना है, इस पर क्लिक करने के बाद फाइल फिर गेम फिर गाइज मोजैंग पर। इधर गाइज ये जो माइनक्राफ्ट रिसोर्स वाला फोल्डर है इधर ही आपको वो लिंक को पेस्ट करना है। तो गाइज सिंपली आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर उस वाली लिंक को उधर से कॉपी करना है और गाइज उस माइनक्राफ्ट रिसोर्स वाले फोल्डर में कॉपी कर देना है। गाइज लिंक कॉपी करने के लिए फिर से बता देता हूँ, पहले आपको एंड्रॉइड में जाना है, उधर से डाटा में उधर आपको फोल्डर ढूंढना है com.mojang, और गाइज जब आपको com.mojang मिल जाए उस पर क्लिक कर फाइल फिर गेम फिर गाइज मोजैंग पर इधर आपको माइनक्राफ्ट रिसोर्स वाले फोल्डर में उसको पेस्ट कर देना है। गाइज लिंक को कॉपी करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जाना है और अपने माइनक्राफ्ट गेम को ओपन करना है। गाइज गेम को ओपन करने के बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है, उधर गाइज आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम है ग्लोबल रिसोर्स। उधर गाइज माई पैक्स में जब आप जाओगे तो आपको ये एक्सरे वाला एड ऑन उधर मिल जाएगा। अभी गाइज इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना किसी भी वर्ल्ड को ओपन कर लेना है, और गाइज मेरी बात मानो तो आप अपने वर्ल्ड की पहले कॉपी बना लेना, फिर उसको क्रिएटिव में सेट कर उधर से आप उसमें इसको एक्टिवेट कर लेना। क्रिएटिव में यूज करने से आपको भी आसानी होगी और आपका सर्वाइवल वर्ल्ड भी सेफ रहेगा। अभी गाइज आपको कॉपी करने के बाद आपको सिंपली रिसोर्स पैक में जाना है, उधर माई पैक्स में जाकर एक्सरे वाले मोड को आपको एक्टिवेट कर देना है। अभी गाइज ये एक्सरे विजन एक्टिवेट हो चुका है, इससे आपको आपके वर्ल्ड के सिर्फ ओर या माउस दिखेंगे, बाकी जो नॉर्मल ब्लॉक्स होते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। और गाइज अगर आपको ये सभी ओर्स ब्लैक ब्लैक दिखाई दें तो आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो में चले जाना है। गाइज वीडियो में जाने के बाद ये जो स्मूथ लाइटनिंग होती है आपको इसको ऑफ कर देना है, और गाइज आपको एक नाइट विजन का पैक चढ़ा लेना है जिससे आपको सब कुछ साफ दिखाई देगा। आप देख सकते हो इधर से आपको एक एक और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। अभी गाइज इससे आपको सिर्फ और से दिखाई देंगे, बाकी जो ब्लॉक होते हैं वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लॉक गायब हो चुके हैं, वो ब्लॉक भी इधर ही हैं। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, उन ब्लॉक को तोड़ कर ही आप आगे जा सकते हो। गाइज इस तरीके से आप डायमंड या आपको जो भी कुछ ढूंढना है बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हो। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।